सेंटेंस। हम पढ़ते हैं आज टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। पहले आपने क्लॉजेस समझा होगा मेरे पिछले वीडियो से, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्लॉजेस आर डिफरेंट, क्लॉजेस डिफरेंट होते हैं आपके फ्रेजेस से, क्योंकि फ्रेजेस वो पार्ट ऑफ सेंटेंस है जिनका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, जबकि क्लॉजेस का कंप्लीट मीनिंग होता है। और क्लॉजेस अपने में स्टैंड कर सकते हैं या फिर वो किसी पार्ट ऑफ सेंटेंस में डिपेंडेंट होते हैं। क्लॉजेस के फाइनाइट वर्ब होते हैं, उनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में मेनली थ्री डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जो है प्रिंसिपल क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, यानी कि वो क्लॉज जो मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है और जिसके ऊपर दूसरे सेंटेंस के पार्ट डिपेंडेंट होते हैं। तो एग्जांपल्स देते हैं, वीर इज गोइंग टू वर्क एज ही नीड्स मनी। अब वीर इज गोइंग टू वर्क, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस अपने आप में खड़ा हो सकते हैं, इसको एज ए सेंटेंस आप लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल या मेन क्लॉज हो गया। मेन या प्रिंसिपल यानी कि वो चीज जो कि अपने में खड़ा हो सकता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो अब वीर इज गोइंग टू वर्क, इसको दोबारा देखते हैं। इसमें वीर आपका सब्जेक्ट और इज गोइंग टू वर्क प्रेडिकेट, और इसमें आपका फाइनाइट वर्ब हो गया इज। और आप दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस को देखेंगे तो एज ही नीड्स मनी, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस पहले पार्ट ऑफ सेंटेंस पे डिपेंडेंट है। तो वीर इज गोइंग टू वर्क, ये आपका हो गया प्रिंसिपल या मेन क्लॉज। नेक्स्ट है आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज। सबॉर्डिनेट जैसे आपने सुना होगा, सबॉर्डिनेट इन एन ऑफिस मीन्स जो किसी के अंडर में आता है, दैट इज सबॉर्डिनेट। तो उस लॉजिक को रखते हुए अगर आप सबॉर्डिनेट क्लॉज को समझेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो प्रिंसिपल है उसका सबॉर्डिनेट है, तो सबॉर्डिनेट नेचुरली प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट है कई चीज़ों के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने मनी के लिए, बहुत चीज़ों के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पे आ गया सबॉर्डिनेट क्लॉज जो कि प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज, रामा बॉट दिस ड्रेस बिकॉज इट इज लवली, ठीक है। सो रामा इज अ गर्ल हु हैज बॉट द ड्रेस एंड व्हाई शी हैज बॉट, बिकॉज इट इज लवली। तो बिकॉज इट इज लवली जो पार्ट है सेंटेंस का वो हो गया सबॉर्डिनेट क्लॉज, और ये डिपेंड कर रहा है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर, दैट इज रामा बॉट दिस ड्रेस। अब रामा बॉट दिस ड्रेस अपने में पूरा है, आप उसको एज ए सेंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन आप बिकॉज इट इज लवली को एज अ सेंटेंस नहीं लिख सकते, बिकॉज से कभी सेंटेंस शुरू नहीं होता है। तो बिकॉज इट इज लवली पार्ट जो सेंटेंस का है वो एक हुआ सबॉर्डिनेट क्लॉज। यस, आपने सही समझा, वो हुआ सबॉर्डिनेट क्लॉज। सबॉर्डिनेट यानी कि किसी के अंडर में, प्रिंसिपल यानी कि जो मेन है। ओके, ऐसे समझिए इसको। अब आइए नेक्स्ट, यानी कि कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेशन में रहता है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते होंगे, आप अपने जो मटेरियल्स हैं वो आपस में डिस्कस करते होंगे, दोनों फ्रेंड्स का लेवल इक्वल होगा, आपके बेस्ट फ्रेंड्स का जनरली लेवल इक्वल होता है, कोई किसी से कम नहीं, किसी एग्जाम में आप ऊपर तो वो नीचे, वो ऊपर तो आप नीचे, ऐसे चलता ही रहता होगा, या फिर दोनों हमेशा एक ही लेवल पे भी रह सकते हैं। तो ये इससे आप समझिए कि कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि देखिए, सैम इज अ डॉक्टर, सैम ट्रीट्स पेशेंट्स। अब मैंने डॉक्टर और पेशेंट की बात की है, वैसे भी कोरोना का एनवायरनमेंट है तो आप ज़्यादा डॉक्टर्स के बारे में सुन रहे होंगे, तो मैम ने एक सेंटेंस लिया है डॉक्टर के ऊपर में। तो सैम इज अ डॉक्टर, सैम एक डॉक्टर है एंड सैम ट्रीट्स पेशेंट्स, वो पेशेंट्स का इलाज करता है, तो नेचुरली ये तो होगा ही। तो आप इसको एक साथ जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे इसको, तो आप इसको लिख सकते हैं सैम इज अ डॉक्टर कॉमा एंड ही ट्रीट्स पेशेंट्स। अब एंड यहाँ पे क्या है, एंड है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और आपके ये दो पार्ट ऑफ सेंटेंस जो कि सैम इज अ डॉक्टर हुआ एंड ही ट्रीट्स पेशेंट्स पार्ट और सैम इज अ डॉक्टर पार्ट,
ये आप अलग अलग से आप एक एक सेंटेंस में लिख सकते हैं, इसका अपना मीनिंग है, वो अपने में स्टैंड कर सकते हैं। तो इनके बीच में आपने इनको जोड़ा एंड से, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंस हुए आपके कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। अब एंड के सामने जब आपके ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस अपने में पूरी मीनिंग रखते हैं, तब आपका जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है उसके आगे आपको एक कॉमा लगाना चाहिए, ये आपका रूल है। ओके, पुट अ कॉमा बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ टू कंप्लीट थॉट्स इन अ सेंटेंस। आप पहले समझेंगे कि पहले ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है क्या, कैसे हम पता करेंगे, क्योंकि आपके सबॉर्डिनेट क्लॉज में भी कंजंक्शंस लगते हैं, किसी चीज़ से उनको जोड़ा जाता है मेन क्लॉज से। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको समझना होगा रूल। ये रूल है फैन बॉयज का रूल। अब ये फैन बॉयज, व्हाट इज दिस फैन बॉयज? फैन बॉयज इज अ वेरी सिंपल रूल टू अंडरस्टैंड, यानी कि आप इस बहुत ही छोटे से रूल से आप इजीली याद रख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आप देखिए, आप कहते हैं एफ से फॉर, ए से आएगा एंड, एन से आएगा नॉर, बी से आएगा बट, ओ से आएगा और, Y से आएगा येट एंड S से आएगा सो। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, फॉर एंड नॉर बट और येट सो। सो इट्स वेरी इजी, बहुत ही इजीली आप रिमेम्बर कर सकते हैं। बस आप याद रखिए फैन बॉयज रूल से इसके आगे ना पीछे और दूसरे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस नहीं होते। तो जस्ट आपको फैन बॉयज रूल रिमेम्बर करना है, फॉर एंड नॉर बट और येट सो। बस फैन बॉयज से आप रिमेम्बर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो अगर आपका जो भी कंजंक्शन यूज हुआ है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में नहीं आता है, तो यानी कि आपका सेंटेंस जो है वो सबॉर्डिनेट क्लॉज रखता है, यानी कि जो क्लॉज है वो डिपेंड कर रहा है मेन क्लॉज पे, और वो सबॉर्डिनेट क्लॉज वाला सेंटेंस है। लेकिन अगर आपके दो पार्ट सेंटेंस के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हैं, तो इट मींस कि आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज वाला सेंटेंस है। तो इट्स अ वेरी सिंपल रूल, आप होपफुली ये ईजिली रिमेंबर कर सकते हैं कि किस सेंटेंस में सबॉर्डिनेट क्लॉज है, किस सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज है। एक और चीज़ आप रिमेंबर कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट क्लॉज में दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंस जो जुड़े हैं वो जनरली अपने आप में वो स्टैंड करते हैं, या उनका अपना कुछ मीनिंग बनता है, वो पूरी तरह दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस में नहीं डिपेंड करते। और जब ऐसा होता है तो इस जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के सामने एक कॉमा भी लगता है। एक और सेंटेंस से मैम आपको समझाएगी, एग्जाम रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, ये शायद आप सब जानते होंगे, सो यू शुड स्टडी डेली। ये आपका एक बेसिक रूल है, आज आपने एक बेसिक रूल ऑफ लाइफ भी सीखा स्टूडेंट्स, दैट इज एग्जाम रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। ज़्यादातर एग्जाम सिंपल नहीं होते, उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए, सो यू शुड स्टडी डेली। तो इसलिए आपको डेली मेहनत करनी है, एक दिन की मेहनत से नहीं चलेगा। और इसीलिए देखिए यहाँ पे मैम ने सो के सामने कॉमा लगाया है, क्योंकि ये दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंस अपने में स्टैंड कर सकते हैं। तो एग्जाम रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क भी आप अकेले में लिख सकते हैं, और अकेले में आप लिख सकते हैं यू शुड स्टडी डेली। दोनों को ज्वाइन किया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कि सो से, सो उसके आगे कॉमा लगाया। तो आपको आज बेसिक रूल्स ऑफ कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जॉइनिंग बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, फिर आपके सबॉर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल या मेन क्लॉजेस, ये सारे क्लियर हो गए होंगे होपफुली, और आप समझ जाएंगे। बस आपको बेसिक रूल ये ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल या मेन है, जैसे कि आपका प्रिंसिपल है स्कूल का, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ही इज और दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द प्रिंसिपल क्लॉज। सबॉर्डिनेट यानी कि उसके अंडर में आने वाला, वो प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो हो गया सबॉर्डिनेट क्लॉज। और इस उसकी शुरुआत होती है, इंट्रोडक्शन उसका होता है एक कंजंक्शन के साथ, जैसे कि इसमें बिकॉज है। और आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज होते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉजेस के बीच में, और
अगर दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉजेस अपने में स्टैंड करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के आगे कॉमा लगेगा। और फैन बॉयज रूल आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आप सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको याद रहें, एंड इट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू इजीली। सो होपफुली मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशंस पाइए। सो बाय, हैव अ नाइस डे।